चलिए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और सबसे पहले गुड इवनिंग। और सबसे पहले मैं आपका, जो अभी चल रहा है नवरात्रि का समय, नवरात्रि का समय सबका शुभ मंगल हो और खूब एंजॉय कीजिए दुर्गा पूजा में आप लोग। और सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो चल रही थी मैथ का फाउंडेशन बैच, अभी एप्लीकेशन पर चल रही है और यूट्यूब पर तो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल ही रही है। और तो अभी फाउंडेशन बैच, इसके बाद जो चलने वाली थी वो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चलने वाली थी। तो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच का आज जो है इंट्रो क्लास है, और सर आज शायद क्लास नहीं लेंगे क्योंकि सर कहीं दूसरे जगह चल गए हैं। तो आप लोग जो हैं आज हमसे ही क्लास लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कभी खुशी कभी गम, कभी सर कभी हम, एक तो रहना ही है। तो आज जो हम बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि रीजनिंग में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है। एग्ज़ाम किसी का भी हो, CHSL का हो, CGL का हो, RRB, NTPC, ALP, ग्रुप डी, किसी भी एग्ज़ाम हो, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है। आज के बाद ये मत बोलिएगा कि क्वेश्चन जो है जो आप पढ़ा रहे हैं क्या NTPC में पूछेगा, क्या BSSC के लिए एलिजिबल है, क्या यह जो क्वेश्चन आप फाउंडेशन बैच ले रहे हैं वो क्या ग्रुप डी के लिए अवेलेबल है, क्या ALP के लिए अवेलेबल है। तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है। इसके बाद से आज जो है कोई क्वेश्चन ना पूछने की कोशिश करें, सिर्फ जो है पढ़ने की कोशिश करें। और आप लोग का मेन मकसद होना चाहिए पढ़ने का। और जब हम क्लास लिए थे कुछ समय पहले, मैं बता देता हूँ, मैं क्लास लिया था शायद बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट ले रहे थे, तो उसमें कुछ बच्चा का कमेंट आया था कि क्या पहले आपका हुआ है, ऐसा ऐसा अथी जो है कमेंट आते रहते हैं। तो एक कमेंट को मैं बढ़िया से एक बार कह देना चाहता हूँ कि चूंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, और अपना एप्लीकेशन जो रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर है उस पर भी रहेगी, और अपना जो चैनल है यूट्यूब चैनल जो है अपना रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, दोनों सेम है। और अगर जो 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 नहीं जानते हैं कि आप चैनल क्या है, तो एक वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा आप कैसे एप्लीकेशन जो है अपलोड कर सकते हैं आप लोग। तो मैं बता देता हूँ कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि क्या आपका हुआ है बिहार पुलिस आप पढ़ा रहे हैं। मैं बता देता हूँ कि अगर जो अरस्तु खुद एक योद्धा रहते हैं तो सिकंदर महान को बना नहीं पाते, अगर जो चाणक्य खुद योद्धा रहते तो घनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य को बना नहीं पाते, अगर जो खान सर खुद आद दरोगा रहते तो इतना आद दरोगा को बना नहीं पाते, अगर जो द्रोणाचार्य खुद खुद एक योद्धा रहते और महाभारत के युद्ध में युद्ध करते तो आज अर्जुन जैसा वीर योद्धा नहीं धरती पर पैदा होता। तो मैं बता देता हूँ कि गुरु के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका होती है। अगर जो आप चलते हैं फिरते हैं कहीं आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें गुरु का भी योगदान होता है। गुरु बनना आसान नहीं है। अगर जो किसी बच्चा से आप पूछिए कि आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं, वो बच्चा सीधे बोलेगा डॉक्टर बोलेगा, इंजीनियर बोलेगा, पुलिस बोलेगा, फोर्स बोलेगा, देश की रक्षा करना है, लेकिन कोई बच्चा नहीं बोलेगा क्या चीज़ कि हम मास्टर बनेंगे। तो मास्टर बनना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी की चीज़ होती है, तो आप लोग भी समझ सकते हैं। और आज जो है मैं सिर्फ आप लोग से बात करूंगा और रीजनिंग में बताऊंगा क्या 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 जो है टॉपिक आपको एग्जाम में आएगी, कितना टॉपिक जो है आपको फाउंडेशन बैच में पढ़नी है। मात्र फाउंडेशन बैच का चार्ज 49 रुपया है। और आज सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आज 4 अक्टूबर है, और 4 अक्टूबर को जो राजगुरु हमारे सौरभ सर हैं उनका आज जन्मदिन है। 4 अक्टूबर को आज राजगुरु हमारे सौरभ सर का जन्मदिन है। आज इसी खुशी में सौरभ सर जो है क्लास नहीं ले पाएंगे, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि 10 मिनट के लिए भी आज सौरभ सर को हम यहाँ लाएं। और आप लोग इंतज़ार करते रहिएगा, सौरभ सर जरूर आएंगे। तो आज मैं टॉपिक के बारे में आज सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा कि टॉपिक क्या है आप लोग को। तो रीजनिंग का टॉपिक देख लीजिए आप, सबसे पहले रीजनिंग का टॉपिक देख लीजिए कि क्या क्या रीजनिंग में जो है क्वेश्चन पूछती है। और आज मैं ये भी बताऊंगा कि CGL
या CGL हो, MTS हो, CHSL हो, ये RRB, ALP, ग्रुप डी, NTPC हो, किसी भी एग्जाम हो, टेक्नीशियन हो, सारा में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है आप कैसे बना सकते हैं। और जो है हमारे बैच पढ़ने से आपको क्या क्या जो है फायदा मिलने वाली है, ठीक ना। तो आप देखिए, सबसे पहले रीजनिंग का टॉपिक जो हमारी चल रही है, तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक होती है, सबसे पहले अगर जो आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना है इसकी भी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग मन से मेहनत कीजिए, और मेहनत कीजिएगा तब तो आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा तब तो दुनिया का नाम रोशन कीजिएगा, और दुनिया का नाम रोशन कीजिएगा तब तो अपना माँ बाप का नाम भी रोशन कीजिएगा। तो सबसे पहले जरूरी है क्या चीज़, पढ़ना। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, ये हमारा कोटेशन नहीं है, ये हमारे जो महान जो आधुनिक काल के मनु कहलाते हैं भीमराव अंबेडकर, इनका ही कोटेशन है। तो जितना आप पीजिएगा उतना ही दहाड़िएगा। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, डाइस। डाइस डाइस भी पढ़ना है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आती है, क्यूब एंड क्यूवर्ड है, काउंटिंग्स ऑफ फिगर है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, कैलेंडर है, क्लॉक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन है, रैंकिंग है, और वेन डायग्राम है, इक्वल इनइक्वलिटीज है, कोडेड इक्वेशन है, और कोडेड इक्वेशन के बाद क्या चीज़ है, नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, एनालॉजी है, नॉन वर्बल है, और सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, और सिलोलिज्म है। तो सारा मैं टॉपिक जो है आप अभी पढ़ रहे होंगे तो इतना आपको पता नहीं, अभी अगर जो न्यू होंगे तो आपको इतना नहीं मालूम होगा कि इतना टॉपिक में या आखिर पढ़ना क्या क्या चीज़ है। तो मैं इस सारा टॉपिक को बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ पढ़ना है। बस हमारे जो जो चल रही है अभी फाउंडेशन बैच, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, धीरे 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 जो है ये अपना गाड़ी का काफला जो है चलता चलेगा, और एक दिन ऐसा आएगा ये दिल्ली तक पहुंचेगी, बाढ़ तो दिल्ली ट्रेन खुलेगी, कोई दिक्कत तो हम लोग को दिल्ली पहुंचना है, चलो दिल्ली चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछती है, और क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे तो क्या चीज़, आप ये भी सोचते होंगे कि हमें बहुत सारे जो रहते हैं वो ये भी बता देते हैं कि अगर जो आपको NTPC पढ़ना है तो ए बैच खरीदिए, CGL पढ़ना है ओ बैच खरीदिए, कुछ नहीं एक बैच मन से पढ़िए, सारा क्वेश्चन उसी से रहता है, फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं रहता। नहीं विश्वास है तो आगे 5 मिनट बस हमारे और देखते रहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है ब्लड रिलेशन के बारे में बता देता हूँ। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध के बारे में बताता हूँ, और रक्त संबंध से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है वो देख लीजिए। सबसे पहले आप जो है कि किस कैसे बनेगा ये जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है वो किस प्रकार से जो है बनने वाली है, तो इसको आसानी से आप झमेला में नहीं फंसिएगा, डायरेक्ट बनाइएगा। और एक एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोग के लिए छोड़ दूंगा कि आप लोग जो है कमेंट में बता दीजिए बना करके, ठीक ना। तो सबसे पहले इसमें जनरेशन किस प्रकार से चलती है, तो मैं अपना हूँ तो अपना जनरेशन के बात करता हूँ। और एक चीज़ इससे सीखने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि चीन अगर जो हम लोग लड़का और लड़की दो चीज़ होता है जनरेशन में, तो दो ही है, एक बॉय है और एक गर्ल्स है। तो ये दोनों के बारे में, बॉयज़ के लिए जो है हम लोग प्लस चिन्ह का इंडिकेट करते हैं, क्या चीज़ प्लस चिन्ह का इंडिकेट करते हैं, और गर्ल्स के लिए जो होता है इसमें माइनस माइनस सिंबल का इंडिकेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अब जनरेशन, ये आप हो गए जैसे कि मैं हो गया हूँ, यहाँ आप अपने पर खुद लेते चलिएगा तो ब्लड रिलेशन बनाने में आसान होगी, ये मैं हूँ। अब मेरे सेम जनरेशन में कौन कौन सा जन कौन कौन से आ सकते हैं, तो देख लीजिए, ये जो होगा भाई होगा मेरा, हमारा भाई या भाभी जो भी कहिए, ये सब मेरे जनरेशन में। और क्या चीज़ सेम हमारे सेम जनरेशन में कौन कौन हो सकते हैं, और बहन हो सकती है, क्या चीज़ बहन हो सकती है मेरे जनरेशन में, भाई बहन, और अगर जो भैया हैं तो उनको शादी हुआ होगा तो भाभी, और जो उनके अगर जो फिन होंगे मेरा छोटा भाई होगा तो उसको शादी होगा तो भभू, ये जो है चलते रहेगा सेम जनरेशन में, कोई दिक्कत दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना।
तो ये सेम जनरेशन में चलते रहेगी, ठीक ना। और उसके बाद अगर जो आप कहेगा चचेरा ममेरा फुफेरा ममेरा जितना भी होता है भाई बहन, चचेरा भाई मुसेरा भाई फुफेरा भाई, ये जो चलेगी वो ये भी सेम जनरेशन में ही चलेगी, मेरा जनरेशन में। अब इधर का जनरेशन आ जाइए, चूँकि हम लड़का हैं, अब हमारी शादी हो गई तो हमारी एक पत्नी भी तो होगी, हाँ, तो पत्नी होगी तो पत्नी के लिए डबल लाइन से इंडिकेट करते हैं, और लड़की है चूंकि तो इसके लिए माइनस चिन्ह का भी इंडिकेट करते हैं, डबल लाइन देख लीजिए, पत्नी के लिए डबल लाइन, भाई हो बहन हो किसी भी प्रकार का मुसेरा ममेरा फुफेरा, इसके लिए जो है हम लोग सिंगल लाइन का सिंगल लाइन इंडिकेट करेंगे, और पत्नी के लिए डबल लाइन। पत्नी के लिए यही होता है कि आप गाँव में सुनते होंगे कि अगर जो आपको शादी हो गया वही आप कमा उमा नहीं रहे, सिर्फ एगो है, आप घूर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, डबल लाइन का मैं बात बता रहा हूँ कहानी, आप घूर रहे हैं फिर रहे हैं, आपका शादी होगा जैसे क्या चीज़ बोलेंगे आपके मम्मी पापा, अब एगो से दूगो हो गया बाबू, अब चलो निकलो, अब कमाने के लिए निकलो। और चूँकि नौकरी नहीं लगेगा तो भाई तो दिल्ली बम्बई जो है कमाना तो पड़बे करेगा, तो इसीलिए एक से दो हो गया है, क्या बोले एक से दो हो गए नहीं है, अब चल तू निकल, तो दो हो गया है तो भाई दो लाइन से इंडिकेट किया, पत्नी के लिए दो लाइन, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए, अभी हमारी पत्नी हो गई, अब पत्नी के भी तो भाई बहन हो गई, जो हमारा कौन लगेगा साला और क्या चीज़ साली, यह सबन हो सकती है, साला साली, ये तो सब मेरे जनरेशन में, सब सेम जनरेशन में, क्या हुआ बोलू जी, चलिए तो ये सब तो साला साली जो होगा सब हमारे ही जनरेशन में, सेम जनरेशन में होगा। तो ये देख लीजिए कि हमारा जनरेशन में कौन कौन से आ जाते हैं, आप कहिएगा ममेरा साला फुफेरा साला धर्मशाला, इस सब से कोई जरूरत नहीं है, सब जो है ये सेम जनरेशन में आएगा। अब हमारे से ऊपर जनरेशन और हमारे से नीचे जनरेशन क्या क्या चीज़ हो जाएंगे देख लीजिए, ये सबसे पहले मैं हूँ, और हमसे ऊपर का जनरेशन क्या चीज़ हो जाएगा, हमसे ऊपर का जनरेशन जो हो जाएंगे हमारे पिताजी, क्या चीज़ हो जाएंगे पिताजी, और कौन जनरेशन, और हमारे जितने भी एक लाइन से इंडिकेट करेंगे इसको, और पिताजी हो गए, अब पिताजी के बाद कौन हो जाएंगे हमारे चाचा हो जाएंगे, चाचा के जो पत्नी होंगी जो सबसे बदमाश होती है चाची हमारी हो जाएगी, क्यों जी चाची हो जाएगी, नहीं चाची बहुत इंसान होती है, इसे कहा जाता है कि खचड़ी होती है, लेकिन चाची सबसे इंसान हो जाए ठीक ना, अगर जो मानेगी तो आपको चाची ही सबसे, चाचा से ज़्यादा मानते हैं चाची ही, लेकिन थोड़ा सा भेदभाव कर देती है, या तो हमारी मोम हो जाए या आपकी मोम हो जाए, कोई भी तो आंटी बनेगी ही। और देख लीजिए, तो ये सब हमारे से ऊपर जनरेशन के हो जाएंगे, और इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएंगे, इधर तो चाचा चाची मामू हो जाएंगे, फूफा हो जाएंगे, फुआ हो जाएंगे, पापा के जितना भी भाई बहन हो गए पापा के, ये सब जो है हमसे एक ही जनरेशन मात्र ऊपर हो जाएंगे। इधर हमारी मम्मी हो गई, क्या चीज़ मम्मी हो गई, मम्मी हो गई, और मम्मी कौन पिताजी के पत्नी है, तो इसीलिए डबल लाइन से इंडिकेट करेंगे हम लोग क्या चीज़ डबल लाइन से इंडिकेट करेंगे। और इधर जो आ जाएगी मासी हो जाएगी, क्योंकि मौसी जो होती है क्या चीज़ मम्मी के बहन होती है, उसके बाद मामा जी हो जाएंगे, मामा मामी जितने भी हो जाएंगे ये सब मम्मी के जनरेशन में आ जाते हैं, तो इसे ये ऊपर के जनरेशन में हो जाएंगे, कोई दिक्कत। अब इनसे ऊपर जनरेशन कौन हो जाएंगे, तो पिताजी के पिताजी यानी हमारे कौन हो जाएंगे दादाजी, क्या जी दादाजी, तब टोटल बताने की जरूरत नहीं है, दादा हो जाएंगे, दादी हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे, नानी हो जाएंगे, ये सब जो है इससे ऊपर के जनरेशन में है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक जनरेशन और बता देते हैं आप लोगों को, अब यहाँ देखना है, अब यहाँ हमसे नीचे के जनरेशन में कौन हो जाएगा, तो हमारा क्या चीज़ हो जाएगा शादी होगा तो चूंकि बेटा भी तो होना जरूरी है, बेटा या बेटी, क्या चीज बेटा बेटी बहू, बहू भी हो जाएगी चूँकि बेटा के भी तो शादी करना है, तो बहू हो जाएगी, तो बहू ये सब जो होगी ना, ये सब जो होगी ये हमसे नीचे के जनरेशन में, चाहे हमारी भांजी हो गई, भांजी वो हमसे नीचे के जनरेशन में आ जाएगी, और क्या चीज भतीजा भतीजी जितना होगी सबसे नीचे जनरेशन में। इसको सिर्फ डायग्राम को समझना है, फिर क्वेश्चन इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पर चलने वाले हैं, आज फाउंडेशन बैच आप लोग को हम नहीं बता रहे हैं, आज जो हम आप लोग को बता रहे हैं क्या चीज़ बता रहे हैं कि आज इंट्रोडक्शन क्लास है, किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछी जाएगी, ठीक ना।
तो बेटा बेटी हो जाएगी। अगर जो इससे आप नीचे जनरेशन को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे बेटा के बेटा, यानी बेटा के बेटा क्या चीज, जो हम इसको कह सकते हैं पोता, क्या चीज, पोता, पोता के पौत्र भी कहा जाता है, क्या चीज, पौत्र। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। अब जो है आपको यहाँ से सारा जो टेंशन था यहाँ से दूर होने वाला है, ये टेंशन इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद क्या होने वाला है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन पर चलेंगे, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछती है वो मैं बता देता हूँ। अब देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन को देख लीजिए आप। सबसे पहले क्या चीज, एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन भी छोड़ दूंगा। गुरु जी ध्यान से देख लीजिए कम से कम, ठीक है ना। तो देखिए क्या चीज है, अब क्या कह रहा है इसमें, ए एक्स का पिता है, ए जो है ना, ए जो है एक्स का पिता, एक्स का पिता है, यहाँ कौमा है, एक्स का पिता, तो एक्स नीचे रहेगा, एक्स का पिता कौन है, ए पिता है, चूंकि लड़का है तो इसको इंडिकेट करेंगे प्लस चिन्ह से। कहे थे हम लोग, हम आपको, कि लड़का के लिए जो है प्लस चिन्ह का इंडिकेट करना है। तो एक्स का पिता कौन है, ए है। उसके बाद देख लीजिए, बी बाई का माँ है, बी बाई की माँ है। अब देख लीजिए बी बाई के माँ है, इसमें ए एक्स है, इसमें बी बाई है, इससे कुछ बन नहीं रहा है, नहीं ना बन रहा है रिलेशन, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब क्या चीज करना है कि या तो एक्स रहे या तो ए रहे, इससे अगर जो हम डिसाइड करेंगे तो बन जाएगा ए और जेड की बहन है बाई, ए और जेड, ए सॉरी एक्स और जेड, एक्स है और जेड है, एक्स और जेड है, एक्स और जेड की बहन कौन है, बाई, कौन है, बाई। ए एक्स और जेड की बहन कौन है, बाई। तो बहन के लिए, लड़की के लिए कौन चिन्ह प्रयोग करेंगे, माइनस का चिन्ह। ये दोनों को तो अभी हमको पास जेंडर पता नहीं चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है, सोझे कह दिया ये दोनों के बहन है बाई, ये भी हो सकता है, ये भाई हो सकता है चाहे बहन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें बाई आ गया, आपको बाई आ गया, अब बाई आ गया तो यहाँ बी बाई से बन जाएगा, बी जो है बाई की माँ है, बी जो है बाई की माँ, तो बी बाई की माँ कौन है, बी है, कौन है, बी है, माँ है। अब देख लीजिए कि ये हम हैं, ये हमारा भाई या बहन कोई हो गई, और उसकी माँ, हमारी भाई और बहन, हमारी बहन के माँ कौन लगेगी, हमारी, हमारे भी माँ, और हमारे पिताजी हमारे बहन की कौन लगेंगे, हम उसके भी पिताजी, और उसकी माँ हमारे पिताजी, दोनों कौन हो जाएंगे, पति पत्नी, क्या चीज, पति पत्नी, डबल लाइन से इंडिकेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्वेश्चन बन गया, अब ये कह रहा है सत्य नहीं है, इसमें जो है कौन सत्य सही नहीं है, देख लीजिए, बी ए की पत्नी है, बी जो है ए की पत्नी, ये देखिए लड़की है तो ए की पत्नी कौन हो गई, बी, ए तो सही है, लेकिन खोजने कौन कह रहा है, गलत कौन है, तो ए आंसर नहीं हुआ, ये क्या चीज बोल दिया है, ए सही है। अब देखिए बी की एक बेटी है, बी की एक बेटी है, बी की एक बेटी है, अब ई भी बेटी हो सकती है, ई भी बेटी हो सकती है, लेकिन कन्फर्म हमको जानकारी है कि एगो तो है बेटी, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कन्फर्म पता है कि एगो तो है, एक बी की एगो बेटी है, जो बेटी कौन है, बाई है। उसके बाद आगे देखेंगे, ए का बेटा है बाई, ए का बेटा कौन है, बाई। अब देख लीजिए बाई तो ये जी पर ही बेटी जना रहा है, हमको यहाँ से देखे थे, तो ए जा ए का बेटा है, बेटा तो नहीं हो सकता है, जब भी होगा बेटी होगा, तो ए जना रहा है कि यही गलती है, ये है, क्या चीज़ पूछ रहा है कि कौन गलत है, तो यही गलती है। और एक और बोल दिया है, इसको क्या चीज़ करेंगे, जेड की बहन है एक्स, जेड की बहन है एक्स, एक्स कोई दिक्कत नहीं, हो भी सकता है क्योंकि दोनों के जेंडर हम लोग को मालूम नहीं है, क्या हुआ, हेलो इसका जेंडर हम लोग को मालूम नहीं है, तो ए हो भी सकता है, तो इसीलिए स्पष्ट कौन मालूम पड़ा है कि गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 3। अब देख लीजिए, अब पूछे आई कौन एग्जाम में पूछा है, तो देख लीजिए आरआरबी इलाहाबाद सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा जो 2009 में हुई थी, 2009 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, तो देख लीजिए आसानी से कितना हम लोग बना दिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जो आप 5 मिनट हमारे बात को सुने होंगे तो इसको आराम से बना दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो देख लिए थे हम लोग किस चीज़ का, स्टेशन मास्टर का देख लिए थे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग जो देखेंगे, देख लीजिए किस क्वेश्चन को, देखिए
देख लीजिए क्वेश्चन, ये पूछा है आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी परीक्षा जो 2018 में द्वितीय पाली में हुई थी उसका क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन भी सेम ही बनेगा, इसमें हड़बड़ाने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए लिख क्या बोला है, यदि बाई एक्स का भाई है, एक्स का भाई कौन है, बाई, बाई के तो स्पष्ट पता चल गया है जेंडर, क्या चीज़ एक लड़का है, एक्स का कोई जेंडर पता नहीं चला है। और देख लीजिए जे बाई जेड का बेटा है, बाई जो है ना जेड का बेटा है, तो जेड जेड का भी बारे में जनरेशन नहीं, मम्मी है कि पापा है तो कोई पता नहीं है, सोझे बाई के बारे में हमरा पूरा जानकारी मिल गया है। फिर क्या है, तो जेड के पिता एक्स, एक्स के क्या हैं, तो जेड के पिता, जेड के पिता पहले होना चाहिए, जेड का पिता, इनकर भी कोई पिता होना चाहिए, जेड के पिता एक्स के किससे क्या संबंधित है, ये जो जेड के पिता हैं एक्स का कौन लगेंगे। तो ये मान लीजिए आप अपने पर ले लीजिए कि ये हम हुए, ये जो हमारा हो गया बेटा, ये होगा बेटा यानि तो बेटी, तो ये हमारे पिताजी कौची लगेंगे हो रहा, दादा। अगर जो ये लड़की हो गई, कह के कर जो जेंडर भी मालूम नहीं है, तो ये लड़की भी हो सकती है, यानी मम्मी हो सकती है या पापा दोनों हो सकते हैं, तो एक जेंडर मालूम नहीं है, तो क्या ये ससुर लगेगा, तो ससुर के तो सवाल ही नहीं, यहाँ रहेगा तो ना ये जनरेशन में आएगा ऊपर, तो ये तो बिल्कुल गलत। अब पिता लगेगा, देख लीजिए पिता लगेगा, कभी पिता लग सकता है, पिता तो लग ही नहीं सकता है, चूँकि यहाँ रहेगा तब ये पिता लग सकते हैं, तो ये भी गलत। और दादा और नाना, तो ये तो पी क्या चीज़ है बोल रहे हैं, ये दादा या तो नाना लगेंगे, चूंकि ये इनका जेंडर कौन सी है, लड़का वाला जेंडर है, तो या तो ये लड़की होगी तो नाना लगेंगे, अगर जो लड़का होगा तो दादा लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी ही तो नज़र आ रहा है, चाचा मामू फूफा पौसा तो हो नहीं सकते हैं, तो देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है। हेलो बना, तो देख लीजिए ये कितना आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, देख लीजिए सब सेम ही पूछ रहा है क्वेश्चन, यानी कि कुछ ही फालतू पूछता है, जिससे आप कहिएगा कि एनटीपीसी में इतना हार्ड है और अरबी में इतना हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है, अरे बाढ़ है यहाँ, सब सेम है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज कह रहा, सब बनेगा, एक ही प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब लोको पायलट भी देखिए लिए हैं, टेक्नीशियन भी देखिए लिए हैं, मास्टेशन मास्टर भी देखिए लिए हैं, तो लीजिए ग्रुप डी के भी क्वेश्चन देखिए लेते हैं हम लोग। क्या चीज, ग्रुप डी में एम एक विवाही समारोह में जाता है, ठीक, बाई से मिलता है, एम जो जाता है ना विवाहिक समारोह में, क्यों ब्याह हुआ होगा और हम जाता है, तो एम नाम के बंदा से या बंदी से वो मिलता है, ठीक, उसमें क्या चीज, बाई एम के पिता, एम के पिता की पत्नी, तो पहले एम लिख देते हैं, क्या चीज, एम, एम, एम के कोई पिता हैं, पिता, तो पिता के लिए प्लस चिन्ह का इंडिकेट करेंगे, पिता के लिए क्या चीज, प्लस चिन्ह का इंडिकेट करेंगे, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, तो पत्नी के लिए यहाँ डबल लाइन से इंडिकेट करेंगे, पत्नी की बहन, की बहन, यानी इनकर कोई बहन होगी, इनकर बहन, तो सिंगल लाइन से इंडिकेट करेंगे, यानी इनकर जो जरूर साली लगेगी, की बेटी, तो हियाँ चलाइए, बेटी है तो एक जनरेशन नीचे हियाँ चलाएं, बेटी है तो यानी कौन है, बाई जो है एम के पिता के, एम के पिता की पत्नी की बहन की बेटी है, कौन है ये, ये बाई है, कौन है, ये बाई है, कोई दिक्कत नहीं ना। आप तो पूछ रहा एम बाई में क्या संबंध है, एम बाई में क्या संबंध है, तो ये तो जरूर भाई बहन का कोई संबंध होगा, क्या चीज, किस चीज़ का संबंध होगा, भाई बहन के, काहे कि तो नीचे हमारा जनरेशन में आई, चूंकि ये पिताजी हैं, ये हमारी मम्मी हैं, मम्मी के बहन कौन लगेगी, मौसी, अब मौसी के बेटी मुसेरी बहन, मौसी की बेटी कौन, मुसेरी बहन, तो क्या चीज लग जाएगा, देख लीजिए, मौसेरा चचेरा भाई बहन, कोई दिक्कत की नहीं, मित्र तो लगेगा, दोस्त तो लगेगी नहीं, भतीजा तो लगेगी नहीं, काहे कि हमारे जनरेशन में है, तो मौसेरा लग जाएगा, मौसेरी कौची बहन, कौन, मौसेरी बहन, कोई दिक्कत नहीं ना, जेंडर इसका पता था, इसका पता नहीं है, तो बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रही है। अब भी देख लीजिए, अब जो स्टेशन मास्टर देखिए लिए हैं, तो अब एनटीपीसी के भी एग्जाम आने वाला है, आने वाला है एनटीपीसी के एग्जाम, उसका भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लेकिन जरूर आपके लिए, अगर जो समझ गए होंगे तो एक क्वेश्चन आपके लिए जरूर छोड़ेंगे, ठीक ना। अब देखिए क्या चीज कह रहा है, आर पी के पिता का भतीजा है, पी के, पहले यहाँ से पढ़ लीजिए, पी के पिता का भतीजा है, पी के, पी है ये,
पी इनकर जेंडर मालूम नहीं है, इनकर कोई पिता होंगे, पिता पिता के कोई भाई होगा, भाई तभी ना भतीजा होगा, भाई के कोई बेटा होगा, कौन बेटा ही कौन है आर, कोई दिक्कत नहीं, भतीजा है तो इनको जेंडर पता है हमको कि पहला से लड़का है। अब देख लीजिए पी एस का चचेरा भाई है, पी जो है ना एस का चचेरा भाई है, तो ये चचा है तो हो सकता है एकरे भाई होगा, एस का चचेरा भाई कौन है पिता, ये लड़की है कि लड़का है तो कोई मालूम नहीं, लेकिन पी के बारे में बता दिया है क्या चीज, एस का चचेरा भाई कौन है पी, एस का चचेरा भाई कौन है पी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर उसके बाद देखिए, लेकिन एस आर का भाई नहीं है, लेकिन की कह दिया है एस जो है आर का भाई नहीं है, तो आर के भाई नहीं है तो हो सकता है बहन होगी, तो ये क्या चीज, भाई नहीं है तो बहने ना हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है एस आर से किस प्रकार संबंधित है, तो एस आर से किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार से पिता होगा, ये तो भाई ये बहन है, देखिए रहे हैं ये भाई बहन है, तो क्या चीज बहन, कोई दिक्कत, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा दू, दू के बी, कोई दिक्कत नहीं ना। कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है, एक बार थ्योरी समझ लिए और क्वेश्चन बनना चालू, धाएं धाएं चालू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट देख लीजिए, हाँ देख लीजिए ये जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए, ये भी बता देता हूँ, आप लोग कहिएगा कि बताएं इसको क्यों नहीं, अभी इंट्रोडक्शन क्लास है, और ये क्वेश्चन जो है किस एग्जाम में पूछा है, तो CGL 4/6/2019 के जो आफ्टरनून में हुआ था उस एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, देख लीजिए सब सेम ही पूछ रहा, खाली बैचेज निकालने की होती है कि ARRB के बैचेज चल रही है, ये CGL की बैचेज चल रही है, सबका बैच सेम होता है, तो आप लोग को आंख खोलने का आज काम करेंगे हम, ठीक ना। फिर क्या कह रहा है, पी जो है क्यू का पिता है, क्यू का पिता, क्यू का पिता कौन है देख लीजिए, क्यू का पिता कौन है पी है, ठीक पिता है, इसलिए इसका जेंडर पता है तो हम लोग प्लस चिन्ह का इंडिकेट करेंगे, और आर का नाना है, और आर का कौन है नाना है, ये जो है ना पी जो है आर का क्या चीज है नाना है, तो आर हिया हो सकता है, आर के नाना हो सकते हैं, क्योंकि मम्मी होगी तो मम्मी के पिताजी तो नाने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। जो एस का भाई है, ये जो है ना क्या कर एस का भाई है, आर जो है क्या चीज है एस का भाई है, एस की माँ टी की शादी भी से हुई है, एस की जो एगो माँ है ना, एस की माँ, एस की कोई माँ है, ओकरा शादी केरा से हुआ है टी से हुआ है, टी से हुआ है, एस की कोई माँ है एरा शादी किससे हुआ है टी से हुआ है, तो टी क्यू की बहन है, टी जो है ना क्यू की बहन है, टी क्यू की बहन है, टी जो है ना क्यू की बहन है, ओह एरा फिर से देख लीजिए इधर लिखा गया, इसको इधर लिख देते हैं आराम से, तो इतना देखिए लिए है तो इसको तो आराम से बना सकते हैं कि बना दे, देख लीजिए बना, इसको अपने से बना लीजिए क्योंकि इतना देखा दिए हैं आप लोग को कि किस प्रकार से बनेगा, ठीक ना, तो इसको अपने से बना सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में इसको बना के डाल दीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम आपको बना के भेज देंगे, कल भी मेरी क्लास होगी, कल इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद, तो सबसे पहले जो है कि अगर जो हमारी 5 मिनट की क्लास देखे होंगे, भाई बहन का रिलेशन है इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ब्लड रिलेशन पढ़िएगा पूरा फाउंडेशन बताएंगे, ठीक ना। अब देख लीजिए इससे पहले थोड़ा सा हम लोग थ्योरी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक ना, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग थ्योरी जानने की कोशिश करेंगे, हाँ देख लीजिए सबसे पहले सिलोलिज्म की क्वेश्चन है, बोलिए सिलोलिज्म की क्वेश्चन अब बता रहे हैं, जिसको हिंदी में क्या चीज़ कहते हैं न्याय निगमन, न्याय निगमन, न्याय निगमन में क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है उसको सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले न्याय निगमन, ऐसा न्याय जिसकी कोई कल्पना, कोई नियम और कोई इसकी मान निकलवे नहीं करता है, इसका इसको हम लोग कहते हैं न्याय निगमन, न्याय निगमन। देखिए इसमें क्या चीज़ पढ़ना होता है, इसमें सबसे पहले बोल देगा सभी सेब आम है, क्या चीज़ सभी सेम आम है, तो इसका कोई मतलब है कि सेब आम हो सकता है, ऐसा उठपुटांग पूछेगा जिससे कि कोई कहानी का कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर आपको पूछ देगा कुछ
आम कुछ आम बैल है, क्या चीज कुछ आम बैल है, इससे कोई मतलब है आपको कि आम बैल क्या चीज कह रहा है, किस प्रकार से इसका जो स्टेटमेंट रहता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक ना। फिर इसको पूछ देगा कोई संतरा अमदुर नहीं है, अमरुद नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जो है किस में पूछती है, सिलोलिज में, जिसको हम लोग न्याय निगमन कहते हैं, क्या चीज कहते हैं, न्याय निगमन, ठीक ना। तो अब देखिए इसको बनाना कैसे है, तो बनाना है जैसे कि 100% 50% करके इसको भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व होता है, तो हम लोग 100% 50% से कोई मतलब नहीं, हम आपको बताए थे कि जो हम बताएंगे विदाउट पेन एंड पेपर का बनेगा, रीजनिंग है विदाउट पेन एंड पेपर के बनने वाली है, तो इसको गोली मारिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्या चीज इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आप 5 मिनट मेरी ओर देखिएगा, तो जिस प्रकार से ब्लड रिलेशन सोल्व हुआ उस प्रकार से ये भी सोल्व हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट, और इसका भी एक क्वेश्चन छोड़ेंगे आपके लिए बनाने के लिए, ठीक ना। तो सबसे पहले देख लीजिए, अगर जो हम लोग पढ़े तो सभी को हम लोग क्या चीज, सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, क्या चीज सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ेंगे, सभी को कुछ पढ़ सकते हैं। आप बोलिएगा कि ये क्यों हमको बता रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अभी आप लोग को स्टेटमेंट हम लिख के बता दिए हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है और कैसे बनेगा, तो इसको देखते जाइएगा। सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ेंगे, और देख लीजिए कोई नहीं को हम लोग क्या चीज कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्या चीज कुछ नहीं पढ़ेंगे, कोई नहीं को हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्या चीज कोई नहीं को हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस इतने हैं। इससे पूरा हम लोग क्या चीज बन जाएगा, इससे पूरा बनने वाली है क्या चीज है, इससे पूरा सिलोलिज्म खत्म। और इसके बारे में दो चीज हम समझा देते हैं, देखिए सबसे पहले सभी आम सेब है, ठीक, सभी आम क्या चीज सेब है। और देखिए क्या बोले थे हम आपको, हेलो इन्हें देख लीजिए, सभी आम सेब है, इसको हम लोग क्या चीज पढ़ सकते हैं, सभी को तो हम बता दिए थे कि कुछ पढ़ सकते हैं, और सबसे पहले कुछ इधर जानकारी ले लीजिए, सबसे पहले गप नहीं कीजिए ना थोड़ा सा। अब देखिए अब हम लोग को कुछ और बात ध्यान देना है, स्टेटमेंट दो प्रकार के होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर जो हम लोग को एक स्टेटमेंट दे देगा तो किस प्रकार से बनेगी, सिंगल स्टेटमेंट से, डबल स्टेटमेंट दे दे तो डबल स्टेटमेंट से किस प्रकार के बनेगी, तो उसको हम लोग को देखना है। अगर जो पॉजिटिव स्टेटमेंट रहा तो इसका निष्कर्ष क्या चीज निकलेगा, पॉजिटिव। अगर जो आप बढ़िया लड़का हैं, आपको गर्लफ्रेंड भी बढ़िया मिल गई, तो भाई नौकरी उकरी ले लीजिएगा, पढ़ के कोई दिक्कत नहीं। अगर जो आप बढ़िया पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, देखिए लड़का क्लास में पढ़ते हैं सब, पढ़ने में कोई ब्रिलियंट लड़का होते हैं, उसको क्या चीज़ होता है कि पढ़े में ब्रिलियंट, अब कुल्हे के ध्यान ओकरे ओकर से करे, पढ़े में ही तेज है, तो क्या चीज़ कुल्हे लड़की ओकरा और ध्यान। अब लड़की पढ़े वाली है तो ठीक है, ध्यान ही नहीं देगी पढ़े वाली है तो काहे नहीं ध्यान देगी, कहे क्योंकि वो भी जानेगी कि हम तो पढ़ी वाले हैं, जो नहीं पढ़े वाली है वो ध्यान देगी। अब ध्यान देगी वो नेगेटिव माइंड के, पॉजिटिव माइंड के, अब एरा चौपट करना चालू तो यो चौपट हो जाएगा, यो कहाँ चल जाएगा, नेगेटिव में। अगर जो स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज़ है तो इसका निष्कर्ष जरूर निकलेगा, क्या चीज़, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा निष्कर्ष, डबल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, अगर जो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दो गो रहा तो इसका निष्कर्ष क्या चीज, नेगेटिव। अगर जो दोनों पॉजिटिव के तो दोनों एगो देखबे किए थे, 12th फेल मूवी देखे हैं ना, एगो कुछ कुछ बनता है, एगो PCS क्रैक करता है, लड़कियां करती श्रद्धा करती है, एगो IPS बनता है, मनोज IPS है ना बनता है, हाँ तो मनोज, तो देखिए दोनों पॉजिटिव माइंड के हैं,
दोनों पॉजिटिव माइंड के, तो दोनों पॉजिटिव माइंड के रहेगा तो पॉजिटिव, अगर जो डबल स्टेटमेंट पॉजिटिव और पॉजिटिव घुस गया तो पॉजिटिव, अगर जो सॉरी हाँ पॉजिटिव, अगर जो देख लीजिए अगर जो लड़का भी नेगेटिव घूरे फिरे वाला खूब एकदम बिहार पुलिस बिहार दरोगा बने वाला, यानी कि लड़की निकली ओकर पीछे पीछे चार गो दौड़े वाला, लड़कियों है जो चार गो दौड़े वाली है, ऐसनों तो होती है, तो दोनों क्या चीज़ है नेगेटिव, लड़कियों नेगेटिव और लड़कवो नेगेटिव, यानी स्टेटमेंट नेगेटिव, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव, तो एक कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा, वो कोई संभावना है कि वो नौकरी लगेगा जीवन में नहीं लगेगा, लेकिन एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव तो हो सकता है कि सुधार दे, तो नेगेटिव में उसको रखा जा सकता है, लेकिन दोनों अगर जो नेगेटिव माइंड के है तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत, ये तो समझ गए होंगे। अब देख लीजिए, ये तो पॉजिटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट किसको कहते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट किसको कहते हैं, ये भी हम बता देते हैं, ये वाला उतार लीजिएगा थोड़ा सा स्क्रीनशॉट, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, मिटाना मजबूरी है, क्योंकि अगर जो जिंदगी में कुछ अगर जो दिमाग से डिलीट नहीं कीजिएगा तो आप पागल हो जाइएगा, कुछ ऐसा होगा जिंदगी में जिसको आप भुला के भी नहीं भुला पा रहे हैं, इसके मतलब कि उसको डिलीट करना है दिमाग से, तो ये हमारे स्टेटमेंट कौन है, सभी आम सेब है, इसमें तो पॉजिटिव है पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है, इसमें नेगेटिव किसी भी प्रकार की नज़रें नहीं आ रही। उसके बाद देख लीजिए, अब जैसे पूछ दे कोई सेब, कोई सेब आम नहीं है, आम नहीं है, तो ये देख लीजिए कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, नहीं लगा रह गया तो ये नेगेटिव, कुछ नहीं लगा रहा तो ये पॉजिटिव, नहीं तो नहीं लगा रहे तो ये तो पॉजिटिव है। अब देख लीजिए ये कोई नहीं है, कोई नहीं है ना, कोई कोई नहीं है, कोई नहीं वाला स्टेटमेंट है, देख लीजिए, अब जब कोई कोई नहीं वाला स्टेटमेंट है तो इसको हम बताए थे कि कोई नहीं वाला स्टेटमेंट को जो हम बोल सकते हैं क्या चीज़, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसको पढ़ने का दो तरीका है, अगर जो कथन को हम लोग पढ़ेंगे तो दो तरीका से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं देखिए, एक तो हम लोग जो पढ़ेंगे दाएं से बाएं पढ़ेंगे, एक बाएं से दाएं भी पढ़ सकते हैं, आप सोचेगा कि दाएं से बाएं तो कैसे पढ़ेंगे, बाएं से दाएं तो पढ़ लिए कि कोई से आम नहीं है, लेकिन एन ए से कैसे पढ़ेंगे, तो एन ए से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव वाले जो कथन होती है इसमें छुपा रहता है कोई नहीं, क्या चीज, कोई नहीं, इसमें क्या चीज छुपा रहता है, कोई नहीं, और पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट को भी हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, तो इसको पढ़ सकते हैं सभी आम सेब है, एन ए से तो पढ़ लिए, लेकिन एन ए से हमको कैसे पढ़ना है, तो सभी वाले स्टेटमेंट में, सभी वाले स्टेटमेंट में छुपा रहता है क्या चीज, कुछ, और बताए थे आप लोग को पीछे कि सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ को सभी हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये तो सिंगल सिंगल स्टेटमेंट, तो अब इसको उल्टा कैसे पढ़िएगा, तो इसको क्या चीज बोले थे कि कुछ छुपा हुआ रहता, तो कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है, इधर से पढ़ेंगे तो क्या चीज पढ़ेंगे, कुछ सेब आम है, इधर से पढ़ेंगे तो सभी आम सेब हैं, तो कुछ आम सेब, इसको अगर जो इस साइड से पढ़ना चाहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इधर से तो पढ़ दिए कोई सेब आम नहीं है, तो इधर से भी पढ़ेंगे तो कोई आम सेब नहीं है, कोई दिक्कत, कोई आम सेब नहीं है, अब कोई नहीं को हम लोग कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, तो एक तरीका से और इसको पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं आम सेब है, नहीं सॉरी कुछ आम सेब नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए, अब डबल स्टेटमेंट वाला तो ये सब समझ गए कि कथन किस प्रकार से होगा, आई फाउंडेशन बैच नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएगी, और सभी कुछ लड़के जो होते हैं बोलते हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम दिए हैं तो एनटीपीसी के लिए कौन सा बैच चाहिए, बीएसएससी के फॉर्म भरे हैं तो बीएसएससी के लिए अलग बैच चाहिए, कुछ नहीं, सब सेम आएगा, सब देख लीजिए टोटल प्रकार के क्वेश्चन, सीजीएल का भी सेम ही क्वेश्चन पूछता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, अब बिन पेन एंड पेपर के हम बताएंगे, और देख लीजिए और इसमें क्या चीज़ करना है, और देखिए अगर जो डबल स्टेटमेंट रहा, डबल स्टेटमेंट जैसे कि रहा सभी आम सेब है, सभी आम सेब है, सभी आम सेब है, और एक और पूछ दिया क्या चीज, कुछ कुछ फल आम है, कुछ फल आम है, आम है। अब देख लीजिए ये दोनों स्टेटमेंट कैसा है, दोनों स्टेटमेंट ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, दोनों तो पॉजिटिव है, इसका जब भी निष्कर्ष निकलेगा क्या चीज,
पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेगा। अब देख लीजिए, सॉरी, जब भी निकलेगा पॉजिटिव ही निकलेगा। और तो डबल दूगो, एगो से तो बना सकते हैं, अगर जो एन ए से पढ़ना होगा तो हम पढ़ देंगे कुछ सेब आम है, लेकिन दूगो के मिला के दे दे तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो दूगो के मिला के दे दे तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ करना है कि कॉमन वर्ड के पहले कॉमन वर्ड के पहले पॉजिटिव वाला में क्या चीज़ होना चाहिए, पॉजिटिव वाला में सभी होना चाहिए कॉमन वर्ड के पहले, और नेगेटिव वाला स्टेटमेंट में कोई नहीं होना चाहिए, क्या जी, कोई नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। अब देखिए, अब इसमें कॉमन वर्ड कौन हो गया, देखिए इसमें भी आम नजर आ रहा है, इसमें भी आम नजर आ रहा है, ये दोनों कॉमन वर्ड हो गया, दोनों आए कॉमन वर्ड। और कॉमन वर्ड के पहले अगर जो पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे तो हम क्या कहे थे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के पहले सभी होना चाहिए। देखिए ये कॉमन वर्ड है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एकर पहले सभी नज़र आ रहा है, एकर मतलब दोनों को हम मिला के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इसको अगर जो कहिए कि दोनों मिला के कैसे पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ सकते हैं, बताए थे कि इधर कुछ छुपा हुआ रहता है, तो इसको कह सकते हैं कुछ आम सेब है, काहे कि आम को तो एक बार ना पढ़ सकते हैं, तो कुछ आम सेब है, इधर से पढ़ना होगा तो सभी सेब आम है, और इधर से भी पढ़ना होगा तो इसको तो सिंगल में स्टेटमेंट में पढ़ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, फाउंडेशन बैच में बढ़िया से लिख के बताएंगे। अभी सिर्फ इसको समझाना है कि कैसे पूछता है क्वेश्चन, कैसे एराइज करता है हम लोग जो है एग्जामिनर, ठीक ना। अब इतना, अब नेगेटिव वाला भी सेम सेंटेंस होगी, आगे क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमको फाउंडेशन अभी बताना नहीं, कल से जो है फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो जाएगी। कल हम सोच रहे हैं कि काउंटिंग्स ऑफ फिगर यानी कि आकृतियों की गणना जो है शुरू करने वाले हैं, तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी आकृतियाँ होंगी, उसमें पूछ देगा कि वर्ग कितने हैं, आयत कितने होते हैं, चुटकी में गिनना है बिन पेन और पेपर के, ठीक ना। देख लीजिए अब इसको, अब ये है वक्तव्य और निष्कर्ष। तो देखिए अब बिन पेन और लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पेन और पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले हम निष्कर्ष पढ़ेंगे और कथन को देखेंगे। क्या चीज़ लिखा है, सभी सेब सस्ते हैं। सेब तो यहाँ नज़र आ गया, सस्ता नज़र आया है आपको, देखिए तो सस्ता भी नज़र आ गया है, आ गया है ना सस्ता नज़र, तो यहाँ क्या चीज़ है, सभी सेब सस्ता है, लेकिन सभी से दू यानी एक मतलब है कि दूगो के मिला के बनाया है, दूगो के मिलाए, और बोले थे कि नेगेटिव वाले सेंटेंस में कॉमन वर्ड के पहले कोई नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव वाला के वर्ड के कॉमन वर्ड के पहले सभी होना चाहिए। अब देखिए लाल ई है, लाल ई भी है, एकर पहले कोई है यानी कि दोनों के मिला के बनेगा, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया है, सभी सेब सस्ते हैं, क्या बन रहा है, तो नहीं बन रहा है, पूछिए काहे नहीं बन रहा है। हम बोले थे आपको सबसे पहले कि एगो पॉजिटिव रहेगा एगो नेगेटिव रहेगा तो निष्कर्ष क्या चीज निकलेगा, नेगेटिव, लेकिन यह निष्कर्ष क्या चीज निकल गया है, पॉजिटिव, तो ये तो ऐसी गलती हो गया, देख लिए पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद देख लीजिए दुष्कर्ष, लाल सेब सस्ता नहीं है, तो यानी लाल सेब सस्ता नहीं है, तो देखिए कैसे बनेगा, लाल सेब सस्ता नहीं है, तो सेब कहाँ गया, यहाँ सेब यहाँ गया, सस्ता यहाँ है, लाल यहाँ कॉमन है, तो लाल यहाँ कॉमन है, तो अब बताइए कि एकरा हम कैसे पढ़ेंगे, एकरा पढ़ सकते हैं लाले कॉमन है, तो यहाँ से लाल सेब कहाँ से ले आएंगे, तो लाल सेब सस्ता नहीं है, पढ़ सकते हैं इसको, तो हाँ पढ़ सकते हैं, एगो तो बोले थे कि एगो कॉमन वर्ड हम ले सकते हैं, तो लाल सेब सस्ता नहीं है, और देख लीजिए एगो पॉजिटिव है एगो नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला ही नहीं लग गया है, तो नेगेटिव वाला तो बन ही गया, तो एक मतलब ई वाला क्या चीज़ है, सही है, क्या चीज़ है, देख लीजिए निष्कर्ष नंबर एक कि नेगेटिव निष्कर्ष होना चाहिए, पॉजिटिव और दो को कॉमन वर्ड के मिलाना चाहिए, तो नेगेटिव निकल गया है, नेगेटिव है, ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब देख लीजिए नेगेटिव, दोनों में कॉमन वर्ड के पहले ये भी होना चाहिए कि कॉमन वर्ड के पहले नेगेटिव में कोई नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में सभी होना चाहिए, तो कहिएगा कि ये तो पॉजिटिव है, ये भी तो कह सकते हैं, एकर पहले तो सभी नहीं है, ये भी तो कह सकते, लेकिन हम बताए थे कि दोनों स्टेटमेंट में किसी भी स्टेटमेंट एक में होना चाहिए,
एक में होना चाहिए। तो एरा में तो एगो में है ये, एक मतलब कुल है जितना भी एक क्राइटेरिया है फुलफिल कर रहा है, तो एक मतलब खाली है क्यों चीज, निष्कर्ष दो सही है। क्या चीज? निष्कर्ष दो सही है। इसमें देखिए क्या चीज बोल रहा है, एक और दो दोनों अनुसरण नहीं करता, मतलब एक और दो जो है दोनों गलती है, तो नहीं एगो तो सही नजर आ रहा है, तो यही तो नहीं हो सकता है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, देखिए एक अनुसरण कर रहा है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, एक और दोनों अनुसरण कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कि ये पहले गलती हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया जी हमारा आंसर, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, कर रहा है दो। देखिए पेन और पेपर की कोई जरूरत पड़ा नहीं, इसी प्रकार से कोई बैच में किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं। किस एग्जाम के था वो देख लीजिए, क्या चीज है, आरआरबी सहायक लोको पायलट टेक्नीशियन परीक्षा जो 2018 में द्वितीय पाली में पूछी गई है। यानी कि एक या क्या चीज एएलपी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है और टेक्नीशियन में कुछ अलग नहीं पूछ रहा। एक क्वेश्चन देखे हैं, नेक्स्ट देख लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा है आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी का एक क्वेश्चन है, कब पूछा है 2014 में, 2014 के प्रथम पाली में। यानी कि अलग से कोई बैच लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अब देख लीजिए इसका स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट क्या चीज है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसका निष्कर्ष जरूर निकलेगा क्या चीज, पॉजिटिव। जब भी निष्कर्ष निकलेगा पॉजिटिव, निष्कर्ष में अगर जो नेगेटिव दिया रहेगा तो काट देंगे, लेकिन दिया है क्या चीज, पॉजिटिव है। अब देख लीजिए ये दोनों में कोई कॉमन वर्ड है, हाँ तो कुत्ता कुत्ता कॉमन वर्ड है, और कॉमन वर्ड के पहले सभी होना चाहिए, दोनों में कोई स्टेटमेंट में होना चाहिए, सभी नजर आ रहा है दोनों में है तो और बढ़िया बात है, लेकिन एक एगो में, एगो में जरूर होना चाहिए, एगो में है यानी दोनों स्टेटमेंट से जरूर बनेगा। अब कथन को कोई जरूरत नहीं, सबसे पहले निष्कर्ष पढ़ेंगे कथन को देखेंगे। सभी आदमी बिल्ली है, सभी आदमी बिल्ली है, दोनों से तो पढ़ ही सकते हैं, दोनों से पढ़ सकते हैं, तो ये क्या चीज सही हो गया, सभी आदमी बिल्ली है, काहे कि एगो तो कॉमन वर्ड हो गया, तो सभी आदमी बिल्ली है कोई दिक्कत नहीं, एगो सही। फिर सभी बिल्ली आदमी है, सभी बिल्ली, अब देखिए इन्हें सभी को तो हम बोले थे कि कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन इन्हें बिल्ली में सभी दे दिया है, इन्हें बोले थे हम आपको कि कुछ छुपा रहता है, पॉजिटिव वाले में कुछ छुपा रहता है, और ये भी बोले थे कि कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये तो ऐसी ही गलती हो गया, काहे कि सभी पढ़ दिया है, गलती हो गया। अब तो बन गया जो कह दिया, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो हाँ एक अनुसरण करता है, बाकी कोई नहीं करता है, सब गलती है। कोई पेन और पेपर की जरूरत पड़ा? नहीं पड़ेगा, वादा करते हैं फाउंडेशन बैच में कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, एक इस एग्जाम में पूछा है, एग्जाम सबसे पहले देखिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा है, ग्रेजुएट लेवल में पूछा है, और इसको भी हम आपको दिखा देते हैं, एक क्वेश्चन इसका भी छोड़ेंगे, क्योंकि हम ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन छोड़े हैं, कि आप अगर जो समझ गए होंगे तो जरूर कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। और देख लीजिए, अब कहिएगा कि दो ही स्टेटमेंट के बताए हैं या चार स्टेटमेंट के पूछ दिया, ये तो बड़गर बात है, कोई बड़गर बात नहीं है, सब सेम है, इसमें जितना भी स्टेटमेंट जना रहा है सब पॉजिटिव जना रहा है, यानी कि जितना भी निष्कर्ष निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। अब पहले अगर जो नेगेटिव दे दिया और पहले ही काट देंगे, लेकिन एक को नेगेटिव नहीं दिया है, क्योंकि एग्जाम क्या चीज़ है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन तो अपन लेवल में सेट करवे करेगा। और देख लीजिए क्या चीज़ बोला है, कुछ टेंट पेंसिल है, अब टेंट पेंसिल कने है, देखिए यह टेंट नज़र आ रहा है, पेंसिल हियाँ नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत, लेकिन पेन कुछ टेंट और पेंसिल की बात कर रहा है, और देखिए कि कुछ में इसमें कॉमन वर्ड मिल रहा है, हाँ कॉमन वर्ड भी मिल रहा है, कॉमन वर्ड मिल रहा है ना, रस्सी रस्सी कॉमन वर्ड मिल रहा है, कॉमन वर्ड के पहले बोले थे कि सभी भी होना चाहिए, इधर भी देखिए कि इरेजर इरेजर कॉमन वर्ड मिल रहा है, हैं, और कॉमन वर्ड के पहले क्या चीज़ हम बोले थे, सभी होना जरूरी है, यहाँ है सभी, इसमें भी तो सभी नहीं है, इसमें भी सभी नहीं है, यहाँ सभ्य को तो जोड़ना जरूरी है हमारा, कोई में एगो पॉजिटिव होना सभी होना जरूरी है, लेकिन यहाँ नहीं है तो ये कहानी खत्म इसका हो गया, कोई दिक्कत। पेंसिल ऊपर है, अच्छा पेंसिल ऊपर है, तो ऊपर देख लीजिए कॉमन वर्ड के पहले सभी है नहीं है, कॉमन वर्ड के पहले पेन आ गया है, इन्हें जो छुपा रहता है कुछ छुपा रहता है, इसका भी कहानी खत्म, यानी पहला गलती हो गया। अब देखिए कुछ रस्सी पेन है, कुछ रस्सी पेन है, इसको मिटा देते हैं तो ज्यादा
ठीक, कुछ रसी पेन है, रसी हियाँ है, रसी हियाँ भी है, पेन हियाँ है, रसी हियाँ है, पेन यहाँ है। कॉमन वर्ड देख लीजिए, पेंसिल पेंसिल कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड के पहले सभी आ गया, नहीं आया है, इसका भी कहानी खत्म। क्या चीज, इसका भी कहानी खत्म। अब देख लिए, कुछ इरेजर पेन है, इरेजर यह भी है, इरेजर यह भी है, दुए को में इरेजर है, इरेजर के पहले सभी आ गया, नहीं आया है, कॉमन वर्ड है लेकिन कॉमन वर्ड के पहले सभी है, नहीं है, इसका भी कहानी खत्म हो गया। तीन कैटेगरियाँ बताएं कि कॉमन वर्ड के पहले सभी आ जाना चाहिए, और पॉजिटिव नेगेटिव से इसको छाट सकते हैं, और इसको बाद फिर कुछ सभी और कुछ से भी इसको छाट सकते हैं। तीन को खत्म हो गया, अब चौथा देखना है हम लोग को, चौथा देखना है क्या चीज़, इसको फिर से मिटा देते हैं। अब चौथा देखना है क्या चीज़ बोल रहा है, कि कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, और कुछ पेंसिल पेन एज ही नज़र आ रहा है, पेन पेंसिल तो एज ही नज़र आ रहा है, और बोले थे कि पॉजिटिव वाले सेंटेंस में लास्ट में कुछ छुपा हुआ रहता है, इसको पढ़ सकते हैं, कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, पढ़ सकते हैं, एकर मतलब ये कौची हो गया, सही हो गया। तो कौन एगो सही है, सिर्फ चार नंबर वाला सही है, कह रहा है केवल एक एक तथा दो अनुसरण करता है, एक दो तो गलती है तो ये अनुसरण नहीं कर रहा, एक दो तीन अनुसरण करता है ये भी नहीं अनुसरण करता, केवल एक तथा तीन अनुसरण करता है ये भी नहीं कर रहा, केवल चार अनुसरण करता है तो हाँ सिर्फ चार अनुसरण करता है, तो चार वाला ऑप्शन सही होगा। ये डी वाला कौन है, एक के नंबर में डी दिले है, कोई दिक्कत, कितना आसानी से सोल्व हो गया। फाउंडेशन बैच पढ़िएगा, सबको बता देते हैं कि फाउंडेशन बैच पढ़ना जरूरी है, और इसके बाद है क्वेश्चन, एक और है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सीजीएल का क्वेश्चन है, किस चीज का है, सीजीएल का है, सीजीएल है ना, हाँ, और सीजीएल देखिए कौन सा एग्जाम में पूछा था, सीजीएल देख लीजिए कहाँ गया, हाँ सीजीएल जो है 7/3/2020 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा है क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए क्या चीज़ है, चूंकि सीजीएल का एग्जाम बाईलिंगुअल देता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों देता है, तो इसको समझना हम लोग को जरूरी है, क्या चीज़ इसको समझना जरूरी है। अब देख लीजिए क्या चीज़ है, अब ये तो क्या चीज़ कथन दिया हुआ है, हम लोग को निष्कर्ष पढ़ना है, निष्कर्ष कहाँ दिया है, हाँ सॉरी कथन यह दिया है और निष्कर्ष यह दिया है। सबसे पहले देख रहे हैं कि दोनों जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव तो है नहीं, तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसमें नेगेटिव जो रहेगा जिसको हटा देंगे, तो यह देख लीजिए ये सब भी पॉजिटिव है, नेगेटिव से नहीं हटा। अब देखिए सभी टैबलेट कंप्यूटर है, सभी टैबलेट कंप्यूटर है, यहाँ क्या चीज़ है, टैबलेट है, यहाँ कंप्यूटर कहाँ गया, यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ कंप्यूटर है, तो क्या इससे बनेगा। अब इसके पहले क्या चीज़ होना चाहिए, कॉमन वर्ड होना चाहिए, तो लैपटॉप इसमें भी है और लैपटॉप इसमें भी है, तो सभी लैपटॉप लैपटॉप इसमें भी है, और ये भी बोले थे कॉमन वर्ड के पहले सभी होना चाहिए दोनों स्टेटमेंट में, तो देखिए लैपटॉप के पहले यह सभी नज़र आ रहा है, यानी कि दोनों से निष्कर्ष निकलेगा। और देखिए क्या चीज़ पढ़ दिया है हम लोग को, तो क्या चीज़, सभी टैबलेट, सभी टैबलेट, अब टैबलेट कहने गया सभी, यहाँ तो कुछ छुपा हुआ है, और ये हम बताए थे कि कुछ को हम सभी नहीं पढ़ सकते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखना है, क्या देखना है, कुछ टैबलेट कंप्यूटर है, अब टैबलेट कंप्यूटर कहाँ गया, टैबलेट यह है और कंप्यूटर कहने गया, हाँ कंप्यूटर यह है, टैबलेट, तो कुछ टैबलेट कंप्यूटर है, कुछ टैबलेट तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले पॉजिटिव होना चाहिए दोनों, पॉजिटिव है, और कॉमन वर्ड के पहले सभी होना चाहिए वो भी है, और कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ को तो कुछ पढ़ सकते हैं, तो क्या चीज़ बोला है, क्या चीज़, कुछ कुछ टैबलेट कंप्यूटर है, तो यहाँ से तो कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ टैबलेट कंप्यूटर है, इसको तो पढ़ ही सकते हैं हम, तो ये क्या चीज़ हो गया, ये सही हो गया। और नेक्स्ट क्या चीज़ बोला है, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, कुछ कंप्यूटर, तो यहाँ कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, तो यानी कि इसको तो बताए थे कि पॉजिटिव वाले सेंस में कुछ छुपा हुआ रहता है, तो इधर से तो पढ़ सकते हैं, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, तो इसको तो पढ़ ही सकते हैं, तो यानी दो गो निष्कर्ष सही है, कौन, दो और तीन, किस में दिया हुआ है, दो और तीन, तो यह देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, केवल निष्कर्ष दो और तीन सही है ना। देखिए सीजीएल का भी कितना आसानी से सोल्व होता है, कोई भी एग्जाम रहे, एनटीपीसी बता दिए, ग्रुप डी बता दिए, एएलपी बता दिए, टेक्नीशियन बता दिए, कोई भी एग्जामिनेशन का ही नहीं हो, सबका रीजनिंग सेम रहता है। और इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इसको जो है इसको हम लोग को, हमको बना के बताना होगा आपको,
कि आपको समझ में आया है या नहीं। अगर जो आ गया होगा समझ में तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और कुछ इसके बारे में बता देते हैं हम कि हमारा जो चैनल का नाम है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर और हमारे एप्लीकेशन का भी नाम है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, एजुकेशन सेंटर। और इसका वीडियो भी हम बता दिए थे कि आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे अपने मोबाइल में कर सकते हैं। और वहाँ पर जो है रीजनिंग का और मैथ का भी फाउंडेशन बैच चल रही है। और तो अगर जो अच्छा लगे तो रीजनिंग का मात्र 49 रुपया में है और मैथ का मात्र 99 रुपया में है। और मैथ का भी डेमो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और डेमो हुआ भी दिया हुआ है, एप्लीकेशन में भी डेमो दिया हुआ है, हुआ भी जाकर देख सकते हैं। अच्छा लगे तो पसंद कीजिए, अच्छा लगे तो पसंद कीजिए, नहीं अच्छा लगे और आप पसंद नहीं कीजिए। जो दिमाग में है उसको दिल में भी बसाइए और जो दिल में है उसको दिमाग में भी बसाइए और जो केजव नहीं है और केजव नहीं रखिए, कोई दिक्कत। अगर जो केजव रखिएगा तो हानिकारक होगा। तो धन्यवाद, अब आपसे हम कल मिलते हैं।